नमस्कार, द न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। कोरोना की भीषण महामारी में हमेशा मदद के लिए तत्पर रहने वाली विश्व सिंधी सेवा संगम ने एक और सराहनीय पहल की है। इस बार सिंधी समाज पुलिस कर्मियों की मदद के लिए आगे आया है। विश्व सिंधी सेवा संगम के सदस्यों ने संक्रमण से लड़ने फ्रंटलाइन में खड़े पुलिस कर्मियों को सैनिटाइजेशन किट वितरित कर मिसाल पेश की है। पूरी दुनिया कोरोना वायरस से त्रस्त है, वहीं कई देश ऐसे भी हैं जिन्होंने संक्रमण से पार पा लिया है, लेकिन भारत अभी भी इसे जड़ से खत्म करने के लिए जूझ रहा है। वर्तमान समय में देश को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और समूहों का आगे आना बेहद जरूरी है। इस कार्य में विश्व सिंधी सेवा संगम हमेशा तत्पर रहा है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर में विश्व सिंधी सेवा संगम के सदस्यों ने पुलिस कर्मियों की सुरक्षा को देखते हुए सैनिटाइजेशन किट बांटे। इसकी शुरुआत सिविल लाइन थाने से हुई। सिंधी समाज के वरिष्ठ जनों ने सिटी एएसपी लखन पटले से भी मुलाकात की और उन्हें सम्मानित भी किया। एएसपी लखन पटले ने भी सिंधी समाज के बंधुओं का आभार जताया। आज विश्व सिंधी सेवा संगम के पदाधिकारी विभिन्न थाने में जा रहे हैं, आज ऑफिस भी पहुंचे हुए हैं। सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो भी फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, हमारे पुलिस के जवान अधिकारी, उनको मास्क और सैनिटाइजर वितरण कर रहे हैं। इनके इस प्रकार के सहयोग से निश्चित रूप से हमको कोविड में जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमको सहायता मिलेगी और हमारे जवान इससे सुरक्षित भी रहेंगे। इस पहल के पीछे विश्व सिंधी सेवा संगम का मुख्य उद्देश्य पुलिस कर्मियों की सुरक्षा को लेकर था। पदाधिकारियों ने कहा कि पुलिस कर्मियों की वजह से ही हम सुरक्षित महसूस करते हैं, जो कोरोना की भयावह स्थिति में भी अपना ना सोचकर हमारी रक्षा में लगे हुए हैं। पुलिसकर्मी ठंडी गर्मी और बरसात में भी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, इसलिए हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम भी उनकी सुरक्षा के लिए कुछ पहल करें। विश्व सिंधी सेवा संगम के पदाधिकारियों ने बताया कि वह रोजाना शहर के अलग अलग थानों और चौक चौराहों में जाकर अपनी ड्यूटी निभा रहे पुलिसकर्मियों को सैनिटाइजेशन किट का वितरण करेंगे, इससे उनका भी मनोबल बढ़ेगा। जैसा कि देखा गया, कुछ समय पूर्व ऐसा लगा कि कोरोना जो है वापस जा रहा है, कोरोना की जो है महामारी खत्म होने जा रही है, परंतु कोरोना की जो दूसरी लहर आई है वह पहले से भी ज़्यादा घातक और नुकसानदायक साबित हुई है। इस समय समाजसेवी संस्थाओं ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है। कुछ लोगों ने मास्क बांटे हैं, कुछ ने दवाइयाँ बांटी हैं, कुछ ने सूखा राशन बांटा है, तो कुछ समाजसेवी संस्थाओं ने जो है भोजन तैयार कर ऐसे घरों में ऐसे मरीजों को भेजा है जिनके घर में कोई भोजन बनाने वाला नहीं था। इसी कड़ी में विश्व सिंधी सेवा संगम, जिसका कि मैं राष्ट्रीय पीआरओ और मीडिया पार्टनर हूँ अमित जीवन, हमारी संस्था ने और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मिलकर भी यह बीड़ा उठाया है। आज हमने कोरोना से बचाव है तो एक किट बनाई है जिसमें मास्क है, सैनिटाइजर है और कुछ दवाइयाँ हैं। ये हम फ्रंटलाइन वर्कर्स को बांट रहे हैं। इसकी शुरुआत हमने सिविल लाइन थाने से की है। कल हमारा जो प्रोग्राम है सिटी एसपी के पास, उसके बाद एसपी साहब के पास और अन्य अलग अलग जगहों पे हम ये किट बांटेंगे और एक अपना राष्ट्रीय धर्म, मानवता का धर्म निभाएंगे कोरोना से बचाव। आज ये अनिल जो सिंघानी जी और उनकी टीम के माध्यम से ये प्रयास किया गया है कि जो पुलिस बल जो है, जो हमेशा एक रक्षक के तौर पे समाज में काम करता है और सभी को कोई भी अड़चन ना आए, कोई रुकावट ना आए, उसके लिए काम करता है और इस महामारी के समय में भी वो एक हमारा कवच के रूप में सामने खड़ा हुआ है। इनको प्रोत्साहित करने के लिए और धन्यवाद करने के लिए जो ये मुहिम चलाई गई है विश्व सिंधी संगम के द्वारा, ये अपने आप में एक प्रशंसनीय है। ये हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि आम जन भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो सेवा आप कर रहे हैं उसको हम एक तरीके से कैसे आपका आभार कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं, उसके लिए ये मुहिम चलाई गई है और आगे भी इनके माध्यम से ये अन्य जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके लिए भी मुहिम आगे चलाई जाएगी, ताकि ये बताया जाएगा कि आपकी जो सेवा है वो निरर्थक नहीं है, समाज उसको अप्रिशिएट करता है, उसको सैल्यूट करता है। देखिए, विश्व सिंधी सेवा संगम जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सिंधी समाज की संस्था है, हमेशा ही वो हर समाज को लेके, मानवता समाज को लेके आगे रही है उनकी सेवा में। उसको ध्यान में रखते हुए भी आज हम लोगों ने एक मुहिम चलाई है कि स्वस्थ पुलिस स्वच्छ पुलिस। फ्रंटलाइन वर्कर्स, पुलिस कर्मी, पुलिस बल जो कि अपनी जान को दांव पे लगा के हम सबको सुरक्षा दे रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए आज हमने मुख्य अतिथि के तौर पर आदरणीय अमित जीवन जी को
और हमारे छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री, प्रदेश के महामंत्री श्री अजय भसीन जी को इस मुहिम के लिए इनवाइट किया मुख्य अतिथि के तौर पे। उन्होंने बहुत ही जोर शोर से इसको आगे बढ़ाने के लिए अपना साथ देने का वादा किया है। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस कर्मियों को और जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं वो भी सेफ रहें, उनके ऊपर भी अपने परिवार का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि हर एक पुलिसकर्मी और फ्रंटलाइन तक हम पहुँचें। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। द न्यूज़ चैनल हमेशा से ही हमारी जितनी भी सेवाएं रही हैं, जो भी हमारी कोशिश रही है, आप जनता तक पहुंचाते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा नाम राहुल खूबचंदानी है, विश्व सिंधी सेवा संगम यूथ विंग का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। थैंक यू। आज स्वस्थ पुलिस को लेके एक मुहिम चलाई गई है विश्व सिंधी सेवा संगम के द्वारा, और हमारे इस कार्यक्रम के आज मुख्य अतिथि अजय भसीन जी, जो छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के महामंत्री हैं, और अध्यक्षता हमारे इस कार्यक्रम की अमित जीवन जी, जो हमारे नेशनल पोस्ट को होल्ड करते हैं विश्व सिंधी सेवा संगम में, और हमारे यूथ विंग के अध्यक्ष राहुल खूबचंदानी जी और महामंत्री आकाश दुदानी जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम की शुरुआत की है आज सिविल लाइन थाना रायपुर से। और ये लगभग सभी थानों में हम स्वस्थ पुलिस का एक नारा लेके जाएंगे, और जो फ्रंट लाइनर्स हमारी रक्षा के लिए हॉस्पिटल से लेके शादी और ऐसे समारोह तक और सड़कों तक वो बेचारे अपनी सेवाएं देते हैं, तो क्यों ना वो स्वस्थ रहें, उसी की कामना को लेके एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है और इसकी शुरुआत आज की गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी पूरी टीम इसमें आगे बढ़ेगी, सहयोग देगी, और हम लोगों ने एक सैनिटाइज़र किट और साथ में सैनिटाइज़र ये दोनों दिया है, और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और ख़ासकर जो हमारे रक्षक हैं उनकी स्वास्थ्य की कामना तो हम लेके ही चलते हैं। धन्यवाद। पूरे देश में पुलिस कोरोना संकट के समय में कानून और व्यवस्था बनाए रखने उल्लेखनीय काम कर रही है। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वे एक दुश्मन को नेस्तनाबूत करने तथा देश की रक्षा करने के लिए पूरे रूप से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। ये पूरे देश के लिए एक अज्ञात अनिश्चितता का समय है एवं इसकी गंभीरता को पुलिस ने बड़ी अहम तरीके से निभाने की कोशिश की है। निश्चित तौर पर ऐसे समय में पुलिस की सुरक्षा के लिए आगे आना विश्व सिंधी सेवा संगम की ओर से सराहनीय पहल है। इससे पुलिस कर्मियों में भी आत्मविश्वास का संचार होगा। कैमरामैन ताकेश्वर साहू के साथ अपूर्वा सिंह की रिपोर्ट। खबरों के अपडेट्स के लिए आप यूं ही देखते रहिए हमारे चैनल द न्यूज़ को, और खबरों की हर पल की जानकारी के लिए बने रहिए हमारी वेबसाइट nathulal.com के साथ।